नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ए के जैन, नेचुरोपैथी वास्तु विशारद वास्तु कंसल्टेंट। आज हम जानेंगे घर के मुख्य दरवाजे में दहलीज का होना। घर का जो मेन गेट है इसको बोलते हैं चौखट। चौखट के यहाँ पर एक दहलीज रखना बहुत ही जरूरी है। ये दहलीज लकड़ी पत्थर किसी की भी रखी जा सकती है। पुराने घरों में सब में देखेंगे आप ऐसी दहलीज हुआ करती थी। मंदिर में भी दहलीज होती है। घरों में कई लोग दहलीज को नहीं रखते हैं, लेकिन दहलीज का होना बहुत ही जरूरी है। घर में जो भी सुविधा या असुविधा आ रही है वो मुख्य दरवाजे से आ रही है। और वास्तु में ऐसा बताया गया है कि नेगेटिविटी नीचे की तरफ से आती है, यानी यहाँ अगर चौखट पे दहलीज नहीं है इस तरफ से नेगेटिविटी अंदर प्रवेश करेगी, लेकिन यहाँ दहलीज होगी तो नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए ध्यान दें, जब भी आप चौखट बनाते हैं तो दहलीज जरूर बनावें। अगर नहीं बना रखी है बाद में भी बनवाई जा सकती है। थोड़ा सा पंडित से अच्छा समय पूछकर शुभ मुहूर्त में ही दहलीज बनानी चाहिए। ये हमें उन्नति देती है और हमारे घर में आने वाली नेगेटिविटी को पूरी तरह से रोकती है।